क्या जमाना आ गया। हमारे जमाने में बच्चे आशिकी करे तो माँ बाप बच्चियों को बांध के रखते थे, और आज ये बच्चियां माँ बाप को बांध के रख रही। उस कमीने की मोहब्बत में पड़ के कब तक सगे बाप को बांध के रखेगी तू? उस कमीने को बचाने के लिए ही मैंने सगे बाप को बांध के रखा है। वैसे भी कई बार वो आपके हाथ मरते मरते बचा। बहुत अच्छी होशियारी करे जो इनके हाथों को बंद कर रखे। अक्सर लोग पत्थरों को बंद कर रखते और कुत्तों को खुला छोड़ देते। मेरे हाथ तो खुलने दे। टाइट बने ना, कहीं खुलेंगी तो नहीं। बेफिक्र रहो, कोई बात नहीं, फिर तो अपन खुल के बात कर सकते फुल डेयरिंग के साथ। ढंग के कपड़े पहन के नहीं आ सकते थे क्या? ये क्या है? बेबी, ढंग के कपड़े जो दिखता है वही बिकता है। ब्रांडेड कपड़े है ये, और मैं ये टैग इसलिए नहीं निकाला कि मेरे बुढ़ो ससुर को मालूम हो कि उनका दामाद ब्रांडेड कपड़े पहनता। 3,500 का शर्ट, 2,000 की टी शर्ट, 2,500 का 3/4 और 1,500 की अंडरवेयर। आपके कुछ हालात सुधरे भी हैं या फिर वही इसकी टोपी उसके सर वाला मामला है? अब तो माशाल्लाह आपकी बेटी को अच्छे से अच्छा खिला सकता हूँ और अच्छे से अच्छा पिना सकता हूँ। अच्छा खिलाने और अच्छा पहनाने से तुम्हारा मतलब जेल की रोटियां और हथकड़ियां तो नहीं? अच्छे से अच्छा खिलाने का मतलब है बिरयानी, मुर्ग पुलाव, तीतर पुलाव, बटेर पुलाव, बूट पुलाव, गोभी पुलाव, खोरमा, खलिया, कोफ्ते, शामी कबाब, शीख कबाब, बोटी कबाब, बादाम कबाब, मछली कबाब, अंत कबाब, नरगिसी कबाब, रान कबाब, भेजा, कलेजी, गुर्दे, जबान, जीन, कपूरे, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, सोजनी की फल्ली, सेम की फल्ली, बीन्स की फल्ली, गवार की फल्ली, दालचा, बगारा खाना, पाया, बगारे बैगन, गोश्त का सालन, खोरमा। और अगर ये भी नहीं खिला सका ना, तो कम से कम इडली, डोसा और माश के ओड़े तो खिलाऊं। बस अब पहनावे में सुनो, चंदनहार, बालियां, झुमके, सरासरी, नेकलेस, टीका, नथनी, गुलूबन, करण फूल, चांदबाली, चंपाकली, बाजूबन, कमरपट्टा, कंगन, अंगोटियां, लच्छा, पासेब, जंजीर, बांके, चूड़ियां, गुलझन, शागन, झांझे, बिछवे वगैरह वगैरह। और अगर ये भी नहीं पिना सका तुम्हारी बेटी को, तो कम से कम लच्छा, काली पोत का तो पिना सकते। इंसान की इज्जत उसके अमल और उसके हुनर से होती है। तुम्हारे पास तो सिवाय लफ्फाजी के और कुछ नहीं। तुम पर तो तुम्हारा जमीर भी थूकता होगा। जमीर मेरे ऊपर थूकता? वो लावारिस रास्ते के पत्थर से बचपन का याराना है मेरा। उन्हें नमक हलाल है, नमक हराम नहीं। एक नजर के लिए भी हम दो अनजानों में दीवार नहीं आई। एक ही जंजीर में बने हम दोनों। बॉम्बे टू गोवा से आखिरी रास्ते पे गए। अरे उस मजबूर की रोटी कपड़ा और मकान का ख्याल ये मर्द ही रखता। कभी कभी वो देश प्रेमी हेरा फेरी करके फरार होता तो उसे गिरफ्तार करके अदालत तक मैं पहुंचाता था। क्या है जी ये? अपना खून पसीना एक करके ये बागबान उसकी परवरिश करा। गंगा की सौगंध, अगर वो नास्तिक भूतनाथ बन के मेरे रास्ते में कांटे बोए। वो जमीर मेरे ऊपर थूकता। अभी तुम्हारे सामने फोन करके गालियां दियो जमीर को। बंद कर रमजा तुम्हारा ये गीतमाला। वाकई में तुम कभी सीरियस ही नहीं हो सकते। बिल्कुल सच कहा बेटी तूने। बेटी, ये गन्ना नहीं करेला है, करेला। और करेले से मिठास की उम्मीद करना बेफजूल है। देखो अमजद, सच बोलने में क्या है, हम तो तुमको एक सेकंड भी पसंद नहीं करते। ये तो जीनत की जिद की खातिर मजबूर होकर जीनत की शादी तुमसे कराना चाह रहे, पर एक शर्त है हमारी। और वो शर्त ये है कि कम से कम 6 महीने तुम BSF की ट्रेनिंग हासिल करो। BSF, कारगिल, LOC, बॉर्डर, JP दत्ता, संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं। हाँ,
अब्बा जो बोल रहे खामोशी से सुनो। अरे क्या बोल रहे तुम्हारे अब्बा? पूरे लीगल तरीके से मेरे मर्डर का प्लान बनाए सो है। BSF का थे, BSF। अमजद, कहां गए वो वादे, वो खस्मे? दरअसल तुम्हारा दिल जितना छोटा है, उससे भी छोटा तुम्हारा दिमाग। और झूठ बोलने में तो तुम इतने माहिर हो कि शैतान भी आकर तुमसे नई नई झूठ सीखे। कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ बोला, मगर तुम्हारे बुढ़े बाप के साजिशों का शिकार नहीं बन सकता हूँ मैं। ये ऐसा पतला दूध है, जितना चाहे तपाओ मलई नहीं जमने वाली। इससे पहले मैं अपने अब्बा की रस्सियां खोल दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे अब्बा के रस्सियां 10 मिनट के बाद खोलो, ये गली बहुत लंबी है, नहीं तो पीछे तलवार लेके आ जाएगा ये बुड्ढा। आर्टिस्ट रेडी है, लोकेशन भी रेडी है, कैमरा रेडी है? जी भाई। एक्शन बोलना। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि आपके मुल्क में काफी महंगाई हो गई है, अब आप हमसे दुश्मनी मोल लोगे तो महंगा तो पड़ेगा ही ना। यहाँ तो पकड़ेगा ना अमजद, अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? अरे ताईमा का घर है बोलता, इन्हें बोला ये इसके ताईमा का घर है, ताईबा का वीजा अलमारी में बंद है, कल उनको दुबई जाना है बोला, और अलमारी की चाबी गुम गई बोला, इस वास्ते मैं खोलने आया।